जी डॉक्टर साहब अच्छा लगीजिए देखें नेचुरली बड़ा जबरदस्त टॉपिक्स चल रहे हैं बाल के और बात यह है कि आज मैं DHT लगा रहा हूँ डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर हम लगा रहे हैं और उन लोगों के लिए स्पेशली मेल में भी यूज़ होता है और ये फीमेल में भी होता है इसके लिए हम वीकली इंजेक्ट करते हैं हम यहाँ फरहान है उनके उन्होंने कहा था फरहान आप इधर आ जाएं अच्छा सिंपली ये जिन लोगों के बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और जेनेटिकली गिर रहे हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है मीजोथेरेपी कहलाती है इसको हम इंजेक्ट करेंगे लेकिन इसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं फरहान आ जाओ यार वर्ल्ड किया जाता है मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करता रहा हूँ इसमें वाइल होता है और ऑनेस्टली मेरे पास अभी एक पेशेंट अमेरिका से है मैंने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया FEOI और उनको मैंने ये वाइल दे दिया था कि आप नेचुरली दूर हैं अमेरिका में तो आ नहीं सकते हैं मैंने उनको एक तरीका बताया था डर्मा रोलर के साथ वो मेरे पास 4 से 6 महीने बाद आए ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका पूरा स्कैल्प भरा हुआ था अच्छा इनका भी इनके माशाल्लाह से बाल काफ़ी हैं लेकिन ये कह रहे थे कि मेरा ये फोरहेड जा रहा है तो शुक्र अदा किया करें शुक्र अदा किया करें ऑफिस के कितने लोग आपको दिखा दूं तो फिर तो आपके बाल कहीं नहीं गए यार लेकिन ये बालों को बहुत इम्प्रूव कर देता है इससे जब आप एक चीज़ इंजेक्ट करते हैं वाइल उसके अंदर रूट्स के अंदर तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और ये क्या हो रहा है ट्रीटमेंट ये कितना महंगा होगा हर ट्रीटमेंट महंगा ही लगता है सही बताइएगा अभी ब्रेक में सब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने चीज़ें बहुत सस्ती देखें महंगाई तो नेचुरली हर फील्ड में लेकिन जब तक थोड़ा बहुत खर्च नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा अब चीज़ें वैसे भी जैसे वाइटनिंग इंजेक्शन कुछ सस्ते हो गए हैं PRP के अपने डिफरेंट है अब बिल्किस के पास जो मशीन है वो थोड़ी महंगी है मेरे पास थोड़ी सी सस्ती है वो डिफरेंस है लेकिन बात ये है कि ट्रीटमेंट कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा पहले से बहुत कम हो गए ऑनेस्टली पहले बहुत ज़्यादा रेट्स थे इसके अच्छा मैं इनको DHT कर रहा हूं फिर भी बता देना डॉक्टर साहब इसके अंदर हम 2000 या 1000 पर सेटिंग लेते हैं अच्छा ठीक है अच्छा फरहान भी आप मुब्तला करें उन हमारे भाइयों को जिनके ऑलरेडी बाल कम है आपको इसमें इतना भी गुरूर अच्छा नहीं होता कि इतने बालों में भी आपको टेंशन है और मैं थ्रू आउट पाकिस्तान जाता हूँ माशाल्लाह 8-10 शहर जाता हूँ उधर मैं हर जगह ये ट्रीटमेंट देता हूँ PRP भी करता हूँ DHT भी लगाता हूँ मज़ा ये आता है जब मैं 2-4 महीने के बाद वो पेशेंट आता है उसका सर भरा होता है तो अल्लाह का बहुत करम करता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स हैं इसके और DHT क्या है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर देखने में तो बहुत तकलीफ दे और बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये क्या है कि उस हार्मोन को जो जिस वजह से बाल जा रहे हैं आपके उसको रिड्यूस कर देता है जो हमने इंजेक्ट किया जेनेटिकली 7 जेनरेशन में जो आपका एक इन्फ्लुएंस आ रहा है जिससे बाल जा रहे हैं आपके बाप दादा के बाल नहीं थे तो पोते में भी बाल जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे उसको इनहिबिट कर रहा है उसको रोक रहा है इसलिए डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर कहलाता है उस चीज को क्योंकि दुनिया सुन रही है इसको इनहिबिट करता है रोक देता है तो इसकी जब 3 से हर सेटिंग्स लेंगे 3 मंथ्स तक तो बिल्कुल बाल गिरना बंद हो जाएंगे और मेल के लिए नहीं खाली मर्दों के लिए नहीं है खवातीन के लिए भी क्योंकि उनमें भी अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है बिल्कुल डॉक्टर इसमें एक सवाल मैं करूंगा कि अगर ब्लड प्रेशर के या डायबिटिक पेशेंट हो तो क्या कोई इशू नहीं है ये मैं कोई इशू तो नहीं है ना इसमें तो हम सिंपल इंजेक्ट कर जी कैंसर का मीजो या PRP नहीं हो सकता कैंसर पेशेंट अच्छा वहाँ पे PRP स्टार्ट भी हो गया हुआ है नहीं असल में इस बच्चे का ब्लड निकल ही नहीं रहा अच्छा नहीं वो नहीं तो मैंने अपने आप को मैंने वो बना दिया कि मेरा ब्लड निकाल के आपको सेंट्रीफ्यूज करके बता दिया जाए ओके 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 दो तीन जगह से देख रहे नहीं बताया तकलीफ हुई है मैंने बिल्कुल नहीं सच बताया हंस के दिखाएं लेकिन एक बार रुक जाइए फरहानी वाली टीम की फरहानी जरा माइक पकड़े आपको मैंने इंजेक्ट किया है नहीं एक फरहान भी आपको जरा सी शर्म नहीं है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं इतने बाल आगे पफ भी आपका अच्छा बन रहा है यहाँ से मैं आपको 3-4 लोग दिखा दूँ आपको पता है ना माइक में बोलना चाहिए तो माइक आगे करेंगे आपके पास पहले माइक भी ऑन कर दे तो माइक में बोलिए ना आप हमें बड़ा बोल रहे होते हैं कि माइक में बोलने माइक में आवाज नहीं आ रही नहीं आपने क्यों क्या क्या आपको जिंदगी में किस चीज की कमी है आपने बालों का इतने बालों में आगे पफ आ रहे इधर भी बाल जा रहे हैं इधर भी बाल जा रहे हैं अभी है मगर ये ना बाल मेरे मैं अंदर से आपको 2-3 लोग बुलाऊं बुला के दिखाऊं सामने बैठे हुए थैंक यू सो मच
अच्छा ये डॉक्टर इसकी हमें कितनी सिटिंग्स चाहिए? देखिए इनके तो माशाल्लाह बाल अच्छे हैं, लेकिन इसकी सिटिंग्स 3 मंथ्स तक चाहिए होती है। एवरी वीक ट्वाइस अ वीक भी आ सकते हैं और एवरी वीक वंस अ वीक भी आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं लगाऊं कैलकुलेट करूं कि अमाउंट कितनी बनेगी तो पर सिटिंग 2000। अरे सारे पाकिस्तान के लिए बड़ा सस्ता हूँ मैं, आप लोग डिस्काउंट में करूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट्स लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लें। बात एक दिन दो दफा में नहीं होता है, आप जब तक सिटिंग्स नहीं लेंगे फायदा नहीं होगा। हमने अपने हकीकत बल्कीस हो, सब लोग उमेर आई लो, हम सब कोशिश है, या हकीम साहब हो, हम सब की कोशिश है कि पेशेंट्स को बेहतर किया जाए। हमारा पूरा मकसद यही है, क्यों हकीम साहब? सही बात है, ओके 100%। नेचुरली आप लोग फिर बहुत सस्ते हैं, हम डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, हम इस चीज से हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फीसों में कम करें, हम अपनी मेडिसिन में कम करें, रिजल्ट्स अच्छे दें, लेकिन पेशेंट्स के अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा चले हमारे साथ। अच्छा ये बात बहुत आपने अच्छी की है, और बाकी हमारा भी मकसद ये होता है जो हम शोज ये करते हैं, हम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों का भला हो सके। वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं और आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग यहाँ पर आ सकें, लाहौर जा सकें, कराची जा सकें, इस्लामाबाद जा सकें, किसी बड़े शहर में जाके अपना इलाज करा सकें, तो यहीं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि कैसे अपने आस पास की जगहों से कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं।